दोस्तों मैं जागरूक ज्यादा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कार के लिए बेहतर अच्छे वैक्यूम क्लीनर के बारे में, वो भी सिर्फ 1000 रुपए के अंदर के। दोस्तों आज तारीख है 2 तारीख को मेरे पास ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो डिलीवर हुआ है। इससे पहले जो है मैं नॉर्मल लोकल मार्केट का वैक्यूम क्लीनर यूज़ करता था, इसलिए आपको पता नहीं पाता था कि ये कहाँ से खरीदे वगैरह। लेकिन अभी मैंने अमेजोन से जो है ये वैक्यूम क्लीनर खरीदा हुआ है, तो इसे मैं 2-3 दिन यूज़ करूँगा। ये वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, इसकी पावर भी बहुत बढ़िया है। मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे उसके बाद ही इसे परचेस किया है। तो अभी मैं 2-3 दिन इसको यूज़ करूँगा, मेरे कार को अच्छे से साफ कर कर देखूँगा और आपको बताऊँगा कि ये लेना वर्थ है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं 2-3 दिनों के बाद। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद के पैसे से अमेजोन से खरीदा हुआ है, इसलिए मैं इसे ठीक से यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों आपका स्वागत है फ्यूचर में। दोस्तों आज जो तारीख है, आज तारीख है 9 अक्टूबर आज तारीख है। मैंने आपको 2-3 दिन कहा था, 2 अक्टूबर को हमने इस वैक्यूम क्लीनर की अनबॉक्सिंग की थी और उसी दिन इसको यूज़ कर कर भी देखा। उसके बाद मैंने 2-3 बार भी इसे यूज़ किया है। कल तो दशहरा था, कल भी सुबह सुबह मैंने इससे कार को पूरी तरीके से क्लीन किया। मेरी दूसरी कार है सेंट्रो, उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन किया 2-3 बार इस वैक्यूम क्लीनर से, और मुझे कहीं पर भी इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। दोस्तों इसकी जो हमें इसके साथ जो एक्सटेंशंस मिलते हैं वो हर जगह पर अच्छी तरीके से वर्क कर देते हैं। और दोस्तों इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है और इसका जो फिल्टर है वो क्लीन करना भी एकदम इजी है। और इसके अंदर जो ब्लेड है, जो मोटर है, वो स्टील की हमें दी हुई है। तो दोस्तों कल कार क्लीन करते वक्त मैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी में था, कार क्लीन करनी थी, पूजा करनी थी उसकी, इसलिए मैं वीडियो तो नहीं बना पाया। लेकिन उसी दिन मैंने वीडियोज़ जो है वो बना दिए थे और वो कैसी, वो किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार क्लीन करता है, उसके बारे में आपको वो वीडियो देख कर अच्छी तरीके से अंदाजा जो है वो आ जाएगा। इसमें हमें 3-4 प्रकार के एक्सटेंशन मिलते हैं जिसे हम अपने मर्जी से जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर इसके प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। इसकी नॉइज़ भी कम है और इसकी सक्शन पावर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी वायर भी काफ़ी लंबी है, 4.5 मीटर की समथिंग है। और दोस्तों इसके साथ हमें 6 महीने की वारंटी मिलती है। अभी मैंने इसे 3-4 बार आधे घंटे तक यूज़ किया लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर। मार्केट में बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर है 1000-2000 या फिर उससे सस्ते भी है। दोस्तों ज़्यादा सस्ते चीज़ों पर जाना भी सही बात नहीं होती, वो कुछ काम के नहीं होते। लेकिन 1000 रुपये से ऊपर अगर आप जाओगे तो हमें अच्छे अच्छे वैक्यूम क्लीनर मिलते हैं और ये 1000 रुपये के दाम में काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट जो है वो दे रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे, किस तरीके से क्लीन कर रहा है। और अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, तो ये आपको अमेजोन पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए कि मेरी कार के अंदर कितना गंदा हो पड़ा है, सारी मिट्टी मिट्टी हो गई है। मैं ट्रिप पर गया था तब से ये मिट्टी वैसी की वैसी है। तो दोस्तों ये सही मौका है इस वैक्यूम क्लीनर को अच्छे से चेक करने का कि इसमें पावर कितनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी सारी मिट्टी जो है वो उसने खींच ली है और बहुत अच्छी तरीके से मैट को जो है वो उसने क्लीन कर दिया है। दोस्तों इसे ड्राइविंग साइड के यहाँ पर भी चेक कर कर देखते हैं, यहाँ की तो हालत तो वहाँ से भी बदतर है। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं।
दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ की भी मिट्टी उसने अच्छी तरीके से खींच ली है, काफ़ी ज़्यादा सक्शन पावर है इसमें। और भी ज़्यादा इसे यूज़ कर देखते हैं। दोस्तों इसकी वायर वैसे बहुत ज़्यादा लंबी है, जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग के वीडियो में बताया, बहुत ज़्यादा लंबी है। आपके पास बड़ी एसयूवी भी रहेगी, इनोवा या फिर उनके जैसे एमपीवी भी रहेगी बड़ी वाली, तो भी ये आराम से उसके लिए फिट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको क्लीन कर देखते हैं, यूज़ कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वैक्यूम क्लीनर से मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी गंदगी जो है वो बिल्कुल आसानी से क्लीन कर दी है। मुझे तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा, और भी ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर देखता हूँ, और पीछे की साइड बची है, पीछे वाला सीट बचा है, उससे यूज़ कर इसको मैं देखता हूँ। मैं इसे बहुत हार्ड भी यूज़ करूँगा, कंटिन्यूसली आधा घंटा यूज़ करके देखूँगा कि क्या ये हीट तो नहीं हो रहा है, या फिर ये इसका रिस्पॉन्स तो कम नहीं हो रहा है। मुझे अभी तक तो इसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया लगा है। तो चलिए इसे और भी ज़्यादा हार्डली यूज़ कर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर। ये जो बटन्स है ये यहाँ पर एक है और ये यहाँ पर है, ये दो बटन्स है। ये दो बटन्स दबाकर हम जो है इसका मुंह जो है वो कुछ इस प्रकार खोल सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखो तो ये जो ब्लेड है ये प्लास्टिक की नहीं है, ये मेटल वाला है, और ये काफ़ी अच्छी इसकी सक्शन पावर है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। और इसे लगाते वक्त भी हमें कुछ इस प्रकार इसको लगाना है। और ये जो स्विच है ये ऑन ऑफ का स्विच है, इसे ऑन कर हम वैक्यूम क्लीनिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपकी कार की बैटरी जो है वो पुरानी है तो ऐसे वक्त आपको अपनी कार स्टार्ट करनी चाहिए, और स्टार्ट कर ही आपको वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कार की बैटरी को कोई भी इश्यू नहीं है तो आप नॉर्मली ऑन मोड पर रख कर भी का वैक्यूम क्लीनर जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन बीच बीच में अगर आप ज़्यादा देर अगर वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहे हो तो बीच बीच में 10-15 मिनट के बाद कार को जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको बैटरी को इश्यू हो सकता है और वो ड्रेन हो सकती है। इसलिए इसे यूज़ करते वक्त कार जो है वो स्टार्ट करना ज़रूरी है। और दोस्तों उसके साथ ये एक्सटेंशन है, जहाँ पर पतली जगह होती है जहाँ पर ये घुस नहीं पाता है, वहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार इसे लगाकर हम
सफाई जो है वो खुद कर सकते हैं, कि सीट वगैरह कारपेट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी जगह पर जहाँ पर ये इसका मुंह घुस नहीं पाएगा या फिर बड़ा एक्सटेंशन होगा वो घुस नहीं पाएगा, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है ये ब्रश वाला, इसे भी हमें कुछ इस प्रकार लगाकर सीट के लिए या फिर कारपेट वगैरह जहाँ पर आप चाहे वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सक्शन पावर भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। मैंने ज़्यादातर इसी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ क्लीनिंग करते, क्योंकि ये जो ब्रशेस है वो जो चिपक कर बैठे हुई गंदगी रहती है उससे पहले निकालते हैं, उसके बाद ये सब कर लेता है। और दोस्तों उसके बाद ये दूसरा पाइप है जहाँ पर, और दोस्तों इस पाइप के साथ हमें दो और एक्सटेंशन मिलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे कुछ हमें इस प्रकार लगाना है और दूसरा इस तरफ। और ये जो पतला वाला मुंह है वो यहाँ पर ऐसे डालकर आप डायरेक्टली इससे भी वैक्यूम क्लीनिंग कर सकते हो, नहीं तो ये जो एक्सटेंशन दिए हुए हैं इसका भी आप इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल आसानी से इसको इसे लगाकर कर सकते हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो आप ये वाला जो एक्सटेंशन है वो भी लगाकर क्लीनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। जहाँ पर आपका ये वैक्यूम क्लीनर अंदर तक नहीं घुस पाएगा तो वहाँ पर ये पाइप का इस्तेमाल जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया मुझे वैक्यूम क्लीनर लगा है और एक्सटेंशन भी काफ़ी बढ़िया है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल बेशक इसे ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो वैक्यूम क्लीनर के तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतर वैक्यूम क्लीनर है। जाइए अमेजोन के नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, पहले रिव्यूज़ पढ़िए, उसके बाद ही अगर आपको सही लगे तो इसे खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ये वैक्यूम क्लीनर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आते रहता हूँ।